हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट टिप्स। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और चलिए आज की ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कोई भी पुराने गिलाफ की मदद से बनाएंगे बहुत अच्छी और यूज़फुल चीज़ जो कि आपके वार्डरोब में ज़रूर काम आएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बेकार पिलो कवर लिया हुआ है। तो अगर आपके पास कोई भी वेस्ट पिलो कवर हो जिसे आप यूज़ नहीं करते हो तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको ले लिया है और उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे पहले। तो इस तरीके के इस मेथड से आप दो या तीन ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको लिया हुआ है और इसे हम कर लेंगे कट। तो जो ओपन वाला साइड है उस ऊपर से उसे हमें कट कर लेना है और उसके बाद हमें इसको पहले बराबर कर लेना है। तो देखिए यहाँ से हमें इसकी ये वाली साइड नहीं कट करनी है, साइड इसे रहने देना है और इसके बाद हमें ऊपर वाला साइड कट करना है। तो जिधर से आप पिलो को इन करते हैं उस साइड से आप इसकी कटिंग कर लें। तो यहाँ पे मैंने इस साइड से इसे कट कर लेना है। तो ये वाला साइड हमें बराबर से कट कर लेना है। इसको यहां से हम पूरा कटिंग कर लेंगे। और इसे कट करने के बाद हमें यहाँ पे इसे निकाल देना है और उसके बाद हमें ये वाला पीस ले लेना है। इसको अच्छे से हम बराबर कर लेंगे कपड़े को। तो देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको ऐसे ये जो ओपन वाला साइड है वहाँ पे हमें कोई भी राइस बैग का या तो फिर कोई भी बोरी का ऐसे इस्तेमाल करना है और उसे हमें इसके अंदर इन कर देना है। अगर आपके पास बोरी हो तो बोरी लगा सकते हैं, फोम हो तो फोम लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे करके इसके अंदर कॉर्नर तक इसी के साइज़ का कट कर लिया था तो इसे मैंने अच्छे से इसमें इन कर लिया और इसके बाद बराबर करके हम देख लेंगे ये पूरा अच्छे से सेट हो जाएगा तो हम एक्स्ट्रा बोरी को कट कर लेंगे। तो अच्छे से इसे बराबर कर सकते हैं और इसके बाद अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद हम इसमें लंबी लंबी सिलाई लगा देंगे दो पीस और एक इधर से भी लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर चार सिलाइयाँ लगाई हैं ऊपर की ओर और इधर से साइड से। और अब हमें इसकी कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के लिए हमें चार चार इन कॉर्नर से लेना है और इसे हमें कटिंग कर लेना है। तो आप चाहे तो निशान लगा सकते हैं या तो फिर आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं बराबर से। एक पहले आप कट कर लें उसके बाद आप चारों साइड को कट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने पहले एक साइड कट किया है और इसके बाद हमें एक साइड कट करने के बाद हमें दूसरे साइड भी कट कर लेना है इसी के बराबर का। तो ऐसे हम इसको पलट लेंगे और उसके बाद दूसरे साइड का भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए ऐसे करके हम बीच में से हाफ कर लेंगे और उसके बाद हम इधर साइड भी कट कर लेंगे। ऐसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से हम इसको भी निकाल देंगे। तो सेम प्रोसेस हमें और दो साइड में भी कर लेना है और इसको चारों तरफ से हमें कटिंग कर लेना है।
और ऐसे ही हम दूसरे साइड में भी कटिंग कर लेंगे। तो इसको हम बीच से फिर से ऐसे करके फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इधर से भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी चारों साइड से अच्छे से इसकी कटिंग हो जाएगी। तो इसे कट करने के बाद हमारा इस तरीके का पीस हो जाएगा। तो अब हमें इसको क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से हमें इसको उठाना है कॉर्नर्स को, और यहाँ पे आके हमें जॉइंट कर देना है। तो इसको जॉइंट करने के बाद यहाँ पे एक स्टिचिंग लगा देना है। पहले आप चाहे तो पिनअप कर सकते हैं या तो फिर डायरेक्ट आप स्टिचिंग लगा लें, और यहाँ से हमें ऐसे करते हुए हर तरफ से स्टिचिंग लगाते जाना है। तो ऐसे करते हुए मैं पूरा इसको स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद चारों तरफ से ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे इसको अच्छे से सीधा कर लेना है। तो इसको हम अच्छे से सीधा कर लेंगे और कॉर्नर्स को हम पूरा निकाल देंगे। तो ये देखिए, ऐसे करते हुए ये पूरा कॉर्नर हम अच्छे से निकाल लेंगे। चारों तरफ से मैंने इसको निकाल दिया कॉर्नर्स को। अब हम इसको बराबर कर लेंगे अच्छे से, और इसके बाद अब हमें यहाँ से इसकी सिलाई लगानी है। तो यहाँ से ये मैंने पूरा इसको बराबर कर दिया, और इसके बाद अब हमें बाहर से इसकी सिलाई लगानी है। तो हम इसकी सिलाई कैसे लगाएंगे, ऐसे यहाँ से हम इसे पकड़ेंगे और ये वाला पार्ट हम स्टिच कर लेंगे। तो एक एक इंच की गैपिंग देंगे, ज़्यादा गैपिंग नहीं देंगे, थोड़ी सी गैपिंग में हम इसे पूरा अच्छे से चारों तरफ से स्टिचिंग लगा देंगे। तो ये अच्छे से बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे, यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके। तो देखिए, ये मैंने इसको पूरा स्टिच कर लिया है, और यहाँ से इस कॉर्नर को भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब ऐसे ही हमें हैंडल्स लगा लेने हैं इसके। तो हैंडल्स लगाने के लिए मैंने यहाँ पे राइस बैग का यूज़ किया है। इसकी कटिंग मैंने ली हुई है और इसे हम थोड़ा सा कट करेंगे। और कट करने के बाद हमें यहाँ पे इसे ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अब हमें इसकी स्टिचिंग कर लेना है। तो देखिए, स्टिचिंग करके मैंने यहाँ पे एक हैंडल को यहाँ पे लगा दिया और एक हैंडल को दूसरे साइड में लगा दिया। तो इस तरीके से ये हैंडल बन जाएगी। तो अब ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है हमारा ऑर्गेनाइज़र। तो चलिए, इसमें हम अपने कपड़े रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे टी शर्ट की जितनी कलेक्शंस हैं वो मैंने इसमें अच्छे से फोल्ड करके ऑर्गेनाइज़ कर ली है, और काफ़ी अच्छे से ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने हर कलर में जितनी मेरे पास टी शर्ट थी सारी इसमें रख दी है, ताकि ये मुझे ऊपर ही दिख जाए और मैं इसे पहन सकूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए ढेर सारी टी शर्ट्स को इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड कर दिया है। और इसके बाद आप इसे ईजी वार्डरोब में रख सकते हैं। तो इसमें वार्डरोब में आप कहीं पे भी इसे रख सकते हैं, वार्डरोब में रख सकते हैं, साइड की कोई भी अलमीरा में रख सकते हैं, जिसमें से आपको ईजी ये सारे कपड़े मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे रख दिया है, और जब भी आप इसको यूज़ करना हो तो आप बिल्कुल निकाल कर इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है ये आपके कपड़ों को स्टोर करने के लिए। आप इसमें का अगर आपके पास टू पिलो कवर्स है तो दो पिलो कवर से भी आप इसमें दो तरीके का बना सकते हैं। यहाँ पे और भी ज़्यादा इसमें स्पेस हो जाएगा, और इसी तरीके का आप दूसरा भी बना सकते हैं। तो ऐसे करते हुए आप इस एक में पैंट, एक में टी शर्ट वगैरह रख सकते हैं, बेबी के कपड़े रख सकते हैं, बच्चों के छोटे मोटे सॉक्स वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने टी शर्ट्स रखे हैं, और ऐसे करके आप टी शर्ट को भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी रही होगी तो 1 लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आज का वीडियो, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।